इट्स बर्थडे मंथ, मेरा और मम्मी दोनों का बर्थडे है इस मंथ में. एंड दिस ईयर वी हैव सेट अ रूल कि नोबडी विल गिफ्ट ईच अदर एनी मटेरियलिस्टिक आइटम, एंड दैट्स व्हाई दिस वीडियो इज हैपनिंग. Hi, welcome to a day where my mom controls my life for 24 hours. Since morning, she's telling me that you are going to regret doing this challenge. Let's call her. Ma, aajao. बोलो, ऐसा क्या सोच के रखा है? बहुत कुछ सोच के रखा है. तो सबसे पहले मुझे चाहिए कि मेरा जो रूटीन है वो उठ के मैं गर्म पानी रखती हूँ, सबसे पहले गार्गल करती हूँ. गार्गल करती हूँ तब तक स्टीम बाद में मशीन में ऑन कर देती हूँ ताकि मैं स्टीम लूँ, और उसके बाद हल्दी और हनी लेमन वाला गर्म पानी पीती हूँ. जो मुझे चाहिए कि आज वो सारा तू करेगी. Side by side, our fears are done. All the good times just begun. तो हम कोई मूवी वाली फैमिली नहीं है कि नींबू पानी पीने के लिए भी हम डाइनिंग टेबल पे बैठे. बट पीछे जो येलो सोफा दिख रहा है वो अभी आके कुछ उसको 3-4 दिन ही हुए. तो मम्मी पापा को भूत सवार है कि खाना उस पे अलाउड ही नहीं है. अभी कैसा बना है पता नहीं. बराबर है, कोकोनट वाटर समझ के पी जाओ. सो अभी मैं थोड़ा सा प्राणायाम वगैरह कर लेती हूँ, तब तक आप मेरे लिए बनाओगे 1/2 कप टी अदरक डाल के. ठीक है, YouTube से देख लेती हूँ रेसिपी, आप कर लो प्राणायाम. ठीक है. तो आई सॉ दिस रेसिपी एंड इट्स लुकिंग क्वाइट प्रॉमिसिंग, इजी भी लग रही है देख के. लेट्स स्टार्ट. आई थिंक अदरक बहुत ज़्यादा हो गया है, पर मैं ना थोड़ा निकाल लेती हूँ. अभी 1/2 टी कप दूध. बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, मतलब चाय पीने का मन कर गया है मेरे को. शुगर कम लग रहा है स्मेल में से. तो यार बीच में ना कॉल आ गया, उसमें मुझे लगता है दूध इवेपोरेट हो गया. इतना पानी, इतना दूध डाला था, सब पता नहीं किधर चले गया है. इसी में ऐड कर देते हैं दूध, फिर टेस्ट करते हैं, क्योंकि शुगर तो काफ़ी डाली थी मैंने. तो हो सकता है दिस इज स्वीट. इट्स क्वाइट गुड, पर ये पूरा ठंडा हो गया है. तो वी गोइंग टू माइक्रोवेव इट नाउ. अगर मम्मी ने देखा होता ना कि चाय ऐसे बनी, वो हाथ भी नहीं लगाती. 1/2 घंटे बाद somehow after all the obstacles in the world we have a chai. चाय का कलर देख के लग रहा है कि परफेक्टली अच्छी बनी है. ओके, सो नाउ टेस्टिंग टाइम. रियली सुपर्ब. सुपर्ब. देखो तो फुल शॉक लग रहा है बिकॉज यू नो कि चाय कैसे बनी है. अच्छा ये रेसिपी नोट कर लो, हेली स्पेशलिटी जिसको 1/2 घंटा लगता है बनाने में. जब वीडियो लाइव जाएगा तब मैं मम्मी को क्वेश्चन पूछूंगी कि अपने चाय के साथ जो भी गड़बड़ हुई वो क्यों हुई. नेक्स्ट टास्क क्या है हमारे? नेक्स्ट अपना टास्क है, मैं अच्छे से नहा के मतलब आती हूँ फ्रेश होके. पहले तो आप जूस पी लो, और उसके बाद आपको जो भी कम्फर्टेबल लगता है, ऑफिस का आपका जो भी काम करना है या तो आपको रूम क्लीन कर लेना है तो वो कर लो. द वेडिंग ऑल्सो एंड इन जनरल मैंने बाहर का बहुत ज्यादा खाया है. तो ट्राइंग टू डू लाइक अ जूस फास्ट. आई एम जस्ट हैविंग जूसेस फॉर एज लॉन्ग एज आई कैन. वी नो व्हाट वी हैव, लेट्स होल्ड ऑन टाइट, फाउंड व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इन लाइफ. सो अभी मैं नहा धो के तैयार हो गई हूँ लाइक अ गोपाली. छोटी बेटी दूसरी बेटी को कैसे भूल सकती हूँ. अभी जानवी की तरह मुझे थोड़ा सा स्किन केयर का मन हो रहा है आज, तो मुझे आप स्किन केयर करवाओ. दिस इज आवर नेक्स्ट टास्क. यस, दिस इज परफेक्ट बिकॉज आई वॉज मेंट टू शो यू माई स्किन केयर इन दिस वीडियो एनी विच वेज. तो मम्मा को भी वही स्किन केयर यूज कर देता है, लाइक लेट्स पुट द सेम थिंग ऑन हर टू. लेट मी गो एंड गेट इट फर्स्ट 1 मिनट. अभी आते आते मुंह पे थोड़ा पानी का छलक भी मार दिया बिकॉज दिस वेदर इज मेकिंग मी एंड हर बोथ वेरी स्लीपी. And it's required for the skincare regime too. Because the first product is L'Oreal Paris Revital Lift 1.5% Hyaluronic Acid Serum. Now this product, Amazon haul. I don't remember wo kab humne video kara tha, but usme I had ordered it. The one that I've been trying abhi is the L'Oreal Paris Revital Lift Hyaluronic Acid Gel Cream. So I thought ki dono saath mein use karke dekhti hu for some time because I've been using this by itself for 3 hafte now approximately. So we'll start with this. और हथेली बस स्किन पे डैब करना है. 1 सेकेंड, मतलब इसको पहले ये करना है. पहले बस अप्लाई ऐसे थोड़ा सा स्प्रेड कर दो एंड देन डैब इट इन ऐसे.
दिस स्किन होल्ड 1000 टाइम्स इट्स ओन वेट इन वाटर, तो इसलिए इट कीप्स द स्किन हाइड्रेटेड थ्रू एंड थ्रू एंड दैट्स व्हाई इट्स क्वाइट अ पॉपुलर इंग्रेडिएंट फॉर हूएवर इट वर्क्स आउट. मेरे को तो ये काफी सूट करता है द इंग्रेडिएंट द हाइलुरोनिक एसिड. द रिवाइटलिफ्ट हाइलुरोनिक एसिड जेल थीम इज मेड अप ऑफ माइक्रो HA मॉलिक्यूल्स व्हिच पेनिट्रेट डीप इन टू द स्किन एंड दैट गिव्स अ लॉन्ग लास्टिंग एंड विजिबल रिजल्ट्स एज इट हैज द राइट अमाउंट ऑफ हाइलुरोनिक एसिड. टेक्सचर इज अ वेरी ट्रांसलूसेंट pearly gel type texture. Let me show it to you. And it glides very smoothly on the skin. It's not transparent, it's translucent and it's quite like it absorbs in a jiffy. It's lightweight, non-sticky and gives plump and radiant skin. So even though I have malai sandwich on my mind, but this is like making a moisture sandwich, because using two products which have the same ingredient in it can be much more impactful. For best results, 2 times a day is recommended using this combo day and night. So this is the first time I'm using these two as a combo together. This cream, have been trying it since 3 weeks and it's been working out pretty well. So I think even it'll suit her also, because it's quite versatile. And now we are ready for our next task. बोलो क्या देना है. सो अभी नेक्स्ट टास्क. सो जैसे अभी मैं सीख रही हूँ मेकअप की सारी चीजें, बट मैं बहुत कंफ्यूज होती हूँ. मुझे अभी आई मेकअप के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना है. आपने मुझे बहुत अच्छे से सिखाया है कॉन्टोर करना, ब्लश, हाइलाइटर, बट स्टिल आई एम स्ट्रगलिंग विथ आई मेकअप. इवन मैं कंफ्यूज होती हूँ ब्रशेस में, तो आप मुझे वो ब्रशेस के या तो नंबर के हिसाब से मुझे बता दो. आई कैन अंडरस्टैंड कि ये सब काफी लाइक नया है तो टाइम लगता है समझने को. तो मैंने मार्कर से ना मम्मी के सारे प्रोडक्ट्स पे नंबर लिख दिया था, 1, 2, 3, 4, 5, यूज दिस ओनली व्हेन यू हैव अप्लाइड मेकअप. ऐसे मैंने ना बॉटल के ऊपर लिख दिया था, सो शी कैन यूज इट प्रॉपरली. तो नाउ आई थिंक वी कैन डू दैट फॉर मेकअप ब्रशेस. तो चलो वो करते चलेगा. इतने सारे ब्रशेस है, इतने सारे ब्रशेस मेकअप में यूज भी होते है, तो काफी सारे ब्रशेस मुझे कुछ पता नहीं है. मेकअप ब्रशेस का कैसे रहता है कि अगेन माई फ्रेंड वैष्णवी हु इज अ सेलिब्रिटी एंड प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट, शी टोल्ड मी कि एक्चुअली ब्रशेस डिपेंड ऑन यू. कोई ब्रश का कोई ये नहीं होता कि इसको सिर्फ इसी के लिए यूज कर सकते हैं. तुमको जैसे कंफर्टेबल हो वैसे यूज करना चाहिए. तो मैं जैसे यूज करती हूँ वो मैं आपको आज बताऊंगी. इट्स वेरी मच पॉसिबल कि एवरीबडी वॉचिंग माइट बी यूजिंग द सेम ब्रश फॉर लाइक 10 मोर अदर थिंग्स, बट मुझे जितना पता है टेली. तो दिस मोटा वाला ब्रश इज अ वेरी मल्टीपर्पज ब्रश. ओके, इसको पाउडर फाउंडेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है कि जैसे एक ही ब्रश अलग अलग तरीके से हम यूज कर सकते हैं, जैसे अगर मैं बाद में कलर मेरा शेड चेंज हो रहा है तो एवरी टाइम तो आई कैन नॉट वॉश, क्योंकि वो शेड बट वंस अ वीक यू शुड वॉश ऑल द ब्रशेस. या ये वाला ब्रश है, आई यूज इट फॉर हाइलाइटिंग. तो विद द मार्कर हम राइटिंग ऑन एवरी ब्रश इज डन. तो व्हाट इज द नेक्स्ट टास्क मैडम? मुझे थोड़ा सा मुझे आई मेकअप सीखना है, वो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग फिर. चलेगा ठीक है. टुडे आई टीच मॉम ओनली 3 आई शेडोज को यूज करके एक अच्छा लुक क्रिएट करना, लाइक अ वेरी स्मॉल हैक. तो एक मैं आपको स्टैंडर्ड बता देती हूँ. सबसे पहले आप आपके आंख पे ब्राउन लगाओगे, मैट ब्राउन, नो ग्लिटर, मैट ब्राउन. फिर आप ग्लिटर लगा दोगे आपके सेंटर आईज में, अंदर से सेंटर तक. फिर एक हाइलाइटर सा शेड इन द कॉर्नर, बस आपकी एक आई पे करो. I'm loving this eyeshadow look on her. क्योंकि normally क्या होता है कि if you don't conceal the under eyes, तो कभी कभी eyeshadow mark आ जाता है in case there's a lot of pigmentation here. ऐसा मुझे personally लगता है. But this is so subtle, but still adding so much to her face की it's looking amazing. Like I thought कि after practicing हटा देंगे, but I don't want her to remove it. तुमको कैसा लगा? मुझे भी अच्छा लगा. अभी I think lunch. Yes, अभी लंच कर लेते हैं. आप ये बताओ कि आपको भी अगर भूख लगी है तो थोड़ा सा खा लो. लगी तो है, बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग अवेक ओनली. शी हैड अ नैप, शी इज रेडी फॉर द रेस्ट ऑफ द डे. तो नाउ आई हैव अ टास्क फॉर हर. दिस इज रॉन्ग वीडियो. ये था 24 आवर्स मुझे कंट्रोल करना है, मुझे टास्क देना है. अभी ये गलत हो रहा है, वो मुझे टास्क दे रही है. नहीं, पर ये टास्क तो मेरे को देना ही है. क्या लगता है कितना डिफिकल्ट होगा ये टास्क? कुछ नहीं बोल सकते, चैलेंज में तो उसको मजा आता है. ठीक है. तो द टास्क आई हैव फॉर यू इज अभी बैठ के आपको 10 मिनट में आपका बर्थडे ड्रेस फाइनल करना है. ओह रेडी. सुपर टास्क है, 100% कर लूंगी मैं. कितने करने वो भी बता दो. एक क्या? आप सबको पता है सरप्राइज गिफ्ट्स मुझे बहुत अच्छी लगती है, दे दो. पर ये साल कोई गिफ्ट का सिस्टम नहीं है ना, तो मैं सीओडी पे मांगूंगी, पैसे आप दे देना. चलेगा तो भी चलेगा. आई होप ऐसे और 2-3 चैलेंज आज मिल जाएंगे तो चलेगा. ऐसा थोड़ी. आई एम नॉट एक्चुअली वी शुड डू दैट. आई कंट्रोल हर डे फॉर 24 आवर्स तो मजा आएगा. चलेगा, आई एम रेडी.
busy on our tiptoes. So we were successful in actually finding her perfect birthday dresses in 10 minutes because we ordered two dresses. So let us show you. This is the first one. It's a black loose wala sequin. Mama loves sequin. We both love jhatak. Love simple also, but on birthdays we love to go full. She feels a little more comfortable in looser dresses right now. She's slowly getting more comfortable in her body. So this was the first dress, which is completely her choice. Second dress is this pink colored dress, which is so pretty. Also something she likes, but she's a little conscious about her arm. She'll see if she feels comfortable, so she'd love to wear the pink dress too. But agar nahi comfortable feel karegi to main dhaap lungi. She wears the black one. No. What, you like both of them? Yes. You have any task ready for me next? So yes, next task is ready. जैसे कि अभी मैं Zoom पे classes ले रही हूँ. अभी हमने new opening किया है बच्चों की age group 3+ something Zoom. For all our new family members, Mama is a yoga guru. She's been teaching yoga for how many years? I don't remember now. It's either 12 or 14 or maybe even more. But yeah, she's a yoga guru. So अभी तो मैं mobile पे ले रही हूँ Zoom classes. But मुझे थोड़ा सा comfortable होना है with laptop Zoom पे. वो थोड़ा सा सीख लेते हैं. वो आप सिखा दो. I think a few days ago only she was telling to dad कि students बढ़ रहे हैं तो मोबाइल पे स्वाइप करना पड़ रहा है तो she wants to learn Zoom on laptop so that ज़्यादा लोग एक साथ दिख सके. ये task sort of fail हो गया. The first task that we failed. ठीक है, maybe this task will get pushed to later of the day but we tried, we gave it our best. आराम कर लूँ कि है और कोई काम? काम तो थोड़ा सा है. आज मेरा सबसे फेवरेट, जो कि मैं खुद भी फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करूंगी, सबवे सैंडविच. कॉर्न एंड पीस. या मुझे बहुत बहुत पसंद है. सबवे ब्रेड लेके आई हूँ तो मैं वो कोशिश करना चाहती हूँ घर पे कैसे बनती है वो. उसमें मुझे आपकी हेल्प चाहिए तो उसमें आप मुझे हेल्प करो. चाय पीनी है तुमको वापस? चेहरा तो देखो. बर्थडे ड्रेस में भी इतनी खुशी नहीं मिली जितना ये क्वेश्चन. मतलब है ही इतनी पावर पैक पूछा है. मम्मा का योगा क्लास अब स्टार्ट होगा ना, फिर सीधा 8:30 खत्म होगा. फिर बहुत थकान हो जाती है इतना एक्सरसाइज करने के बाद. इट्स बेटर हम अभी प्रेपरेशन करके रख ले और जब खाने का टाइम होगा तब सीधा बस ब्रेड में स्टफिंग करना है और रेडी है खाने को. तो लेट्स गो. मैं चाय बनाती हूँ, तुम सामान लाओ. यस, फिर हम साथ में बनाते हैं. हेली, जल्दी आ इधर आ, जल्दी आ भाई. अच्छा सुन, अभी मेरी क्लास का टाइम हो रहा है तो मैं क्लास के लिए जा रही हूँ. ओके, और तू भी अभी जा. मैं किधर जाऊँ? मेरी अभी क्लास है तो आप काम करो, आप अभी साइकिलिंग कर लो. ओके, ठीक है. तो तुम्हारा क्लास कब खत्म होगा? मेरा क्लास 8:30 के तक खत्म हो जाएगा. मैं फ्री हो जाती हूँ, आऊँ जाऊँगी. ठीक है, और उसके बाद आपको देती हूँ मैं वो और एक टास्क. ठीक है, चलो साइकिलिंग के बाद ही आल्टे का बात. या चलेगा. कब से वेट कर रही हूँ मैं, क्या करूँ? मेरा क्लास लेट खत्म हुआ और एक बहुत अच्छी चीज़ में लेके आई हूँ. हाँ. मतलब क्लास खत्म हुआ, मैं अच्छे से फ्रेश होके बात लेके आई हूँ. अभी मैं आपको करवाऊंगी रिलैक्सेशन. चलो अच्छे से पहले आप लेट जाओ. लेटना है? हाँ. अरे लेट क्यों होगा, फिर सो गई तो? नहीं सो गई ना, और मैं अभी डिम लाइट कर रही हूँ. ठीक है, बिकॉज ये रिलैक्सेशन है. बहुत ही अच्छा था, बट माई कोपिंग मैकेनिज्म इज लाफिंग. लाइक अगर मुझे ऐसा बहुत ही ज़्यादा इमोशनल या बहुत अलग फीलिंग आती है तो मैं हंसने लगती हूँ. तो एनर्जी इतनी पावरफुल थी वो बोल की कि आई डिडंट नो हाउ टू रिएक्ट. कभी टिकलिश फील हो रहा था, कभी बहुत अलग अलग सेंसेशन थे. बहुत ही अच्छा, लाइक मुझे तो बहुत लग्जरी फीलिंग आया कि मतलब क्या कैसा मस्त स्पा कुछ मिल रहा है. तो उससे बहुत फ़ायदे हैं घर पे एक्सपर्ट योगा गुरु होने के. ज़्यादा मुझे लेना चाहिए आपसे ऐसे सेशन. धन्यवाद. हाँ, अभी मेरा एक रिक्वेस्ट है. भूख तो बहुत ज़्यादा लगी है पर मेरे को इधर ही बैठ के खाना है.
मैं नहीं मिलना चाहती इधर से। ठीक है चलेगा, आना तो मैं इधर दे दूंगी। हाँ। बट टुडे फुल डे हमें टास्क करना है राइट। मुझे खतरों के खिलाड़ी वाला वाइब आ रहा है यार खाने के साथ में। डोंट वरी बहुत इजी है, मतलब खुश इतना मतलब नहीं है वो। ये साई मेरे साई सीरियल में देखती हूँ तो आपको खाना खाते खाते हम लोग सिर्फ वो देखेंगे साथ में। चलेगा। वैसे तो मुझे साई पसंद है पर समटाइम्स अगर उसमें थोड़ा ऐसा आड़े टेढ़े कैरेक्टर मतलब पॉलिटिक्स वाले कैरेक्टर आता है, अगर सीरियल बहुत स्लो जा रही है तो कभी कभी मैं नहीं देखती, तो मेरा छूट गया है। ये तो मैं पहले देखती थी कभी कभी बीच में मम्मी के साथ, तो आज देखेंगे वापस। दिस इज माई डिनर जूस एंड दैट लुक्स सुपर यम्मी बट आई विल नॉट ईट दैट सैंडविच। आई विल लिंक देयर रूम टूर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स इन केस You want to see their room एकदम आराम से because it is actually a very very pretty room और ये पूरा TV भी ऐसा angle change हो जाके तुम later later देख सको, वो सब काफ़ी अलग चीज़ है इनके room में, तो I'll link it in the description box। तो पता है ना अब तो पेट पूजा भी हो गई। I'm full. साई भी देख लिया। Very good. Time for next task. Next. अभी कुछ भी नहीं, आपको सोना है भाई 10 o'clock। मैं इतना जल्दी कभी नहीं सोती। वही टास्क है जो कभी नहीं किया वही करना है आज। नहीं। Yes. आपको सोना है और आपका मोबाइल मुझे चाहिए। नहीं मैं नहीं दे रही फोन। वो एक पार्ट है अपने टास्क का, आपको मोबाइल मुझे देना है, सुबह में आपको मिल जाएगा। पर शूट अभी सोना है। फोन आएगा तो मेरे को सुबह फोन चाहिए रहेगा। हाँ मैं सुबह में दे दूंगी, अभी आप सो रहे हो 10 बजे सो 6 बजे में रख दूंगी पक्का प्रॉमिस। चलो गिव मी योर फोन, फोन दो मुझे। लॉकर वॉकर में मत रख देना। नहीं 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 लॉकर में नहीं रखूंगी, आपको अभी कुछ भी नहीं करना है। यस चलो अभी गो टू योर रूम। 5 मिनट बैठ नहीं सकते ऐसे? ठीक है इतना चलेगा। 5 मिनट बैठ सकते हो उसके बाद रूम पे जाओगे लेकिन मोबाइल नहीं मिलेगा। सो मुझे एक ही सवाल पूछना है कि आज जितने भी टास्क हमने किए उसमें कौन सा आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा और आपको खुशी हुई? मेरे को चाय बनाने में बहुत मजा आया। तो आपके लिए मेरे और वो भी गलती से बन गई थी और दो बार प्रैक्टिस कर ली ना आज, मतलब दो बार बना ली ना, तो अब मेरे को याद रह गया कि जान बूझ के उसको जलाना है ताकि स्ट्रांग बन जाए। ओके सर चलो नाउ इट्स 5 मिनट ओवर, हमें सोना है। 5 मिनट 1 मिनट। जय श्री कृष्ण। मुझे फुटा दिया गया है इनके रूम से। जय श्री कृष्ण बोलो। जय श्री कृष्ण। फास्ट फास्ट रोज पापा करते हैं मेरे साथ। यस आज तो टास्क है, आज मेरे अंदर पापा आ गए। चलो तो अलग लेवल की ब्लॉगिंग हो रही है बिकॉज नींद में भी आई रिमेंबर टू वेयर द माइक बट वेट देयर इजंट इनफ लाइट। दो 24 आवर चैलेंज खत्म होने में बस आई थिंक अभी आधा या मैक्स एक घंटा ही बचा है, तो आई थिंक वी कैन टेक वन लास्ट टास्क फ्रॉम मॉम बिफोर एंडिंग दिस चैलेंज। ऑल्दो आई डू सॉर्ट ऑफ नो व्हाट द लास्ट टास्क विल बी। To see the halat of my room. Some H&K ke stuff is here. This is too very well organized. So this will be here as it is. But look at that. Look at this area, which I am responsible for. So आपको भी अंदाजा होगा what it will be. Ma. Good morning. Good morning क्या? ये कोई time है good morning का? मेरे तो morning कब की हो गई? तुम बहुत अड्डी घोटते हो भाई, हम normal इंसान हैं, हमसे नहीं होता ये सब। ठीक है चला लेंगे। नाइट ड्रेस में वापस? हाँ हाँ क्योंकि सुबह से 3-4 क्लास थी तो वही मतलब टायर्ड हो गए थे, मतलब योगा के कपड़े मतलब थोड़े से ये रहते हैं राइट लाइक्रा एंड फिट, तो मैं वापस थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए नाइट ड्रेस में आ गई। पक्का प्रॉमिस वाला, आपको सबसे पहले आपका रूम ठीक करना है। कल के दिन में तो टाइम नहीं मिला, बहुत सारे टास्क थे और बहुत अच्छे अच्छे टास्क थे। सबसे प्यारा टास्क था माय बर्थडे शॉपिंग। और चाय? Yes, चाय वाज रियली गुड। तो अभी तो मुझे मिलने वाली है चाय, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आप अभी करोगे सबसे पहले क्या करोगे, आपका रूम पूरा क्लीन अच्छे से। रूम क्लीन करने के बाद बुलाएंगे आपको वापस इंस्पेक्शन के लिए। कैसा लगा इतना फटाफट हमने रूम साफ करा है? थम्स अप तो देना पड़ेगा, बनता है। सो आई एम हैप्पी।
बट विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैलेंज. मतलब बहुत मजा आया एक दिन में, क्योंकि एज अ पार्ट ऑफ वर्क आई गॉट टू स्पेंड द होल डे विथ, क्योंकि इतने सारे काम पेंडिंग थे जैसे वो जूम का और ये मेकअप ब्रशेस का, कि उसके लिए टाइम ही नहीं मिल रहा था. और ये पूरा दिन तो बस मम्मी वाले टाइम में टाइम था. तो पर्सनली आई हैड अ ब्लास्ट. तुमको कैसा लगा ये वीडियो चैलेंज पूरा? ओहो मिल गया जवाब मुझे तो. नहीं रियली बहुत अच्छा लगा मुझे भी. लाइक ना रिलैक्स से बहुत कम मिलती है. आई कैन अंडरस्टैंड कि पूरा दिन उसका भी शूट चलता रहता है और अभी मेरे भी कुछ क्लासेस बढ़ गए हैं. यस आई एम टीचिंग एंड आई एम स्टिल लर्निंग गिविंग मोर एग्जाम्स. सो बहुत बिजी हो गए आजकल की लाइफ में. सो ये इतना क्वालिटी टाइम रहा कि सच्ची में ये वीडियो बनाने के पीछे लेकिन हमें बहुत बहुत दिल से खुशी हुई. मजा आ गया. ठीक है तो चलो अभी मैं जा रही हूँ, बाद में मिलते हैं. हाँ. चलेगा यार. तो माँ का बर्थडे आएगा 20th को. वी हैव बुक्ड अ ट्रिप फॉर हर इन मुंबई ओनली. शी लव्स इट व्हेन द थ्री ऑफ अस गो ऑन अ ट्रिप एंड वी हैवंट गॉन ऑन वन ऑफ कोर्स इन ऑल दिस टाइम एंड वी हैवंट बीन इन सम टाइम. मतलब मेरे पेरेंट्स के लिए वो बहुत ज्यादा टाइम है क्योंकि वो लोग तो हर महीने एक दो ट्रिप्स लेते हैं. तो वी थॉट कि लेट्स टेक हर ऑन अ गेट अवे वेयर शी डजंट हैव टू कुक. देयर इज लिटरली लॉट ऑफ फूड रेडी फॉर हर. तो वो प्लान है माँ के बर्थडे के लिए एंड इट इज एक्सपेंसिव लाइक दीज लिटिल ट्रिप्स. तो दैट्स व्हाई वी थॉट कि ये टाइम बर्थडे गिफ्ट का लेट्स नॉट कीप एनीथिंग. वो आइडिया था. बट कमिंग टू द एंड ऑफ दिस वीडियो आई लाइक टू थैंक L'Oreal Paris फॉर पार्टनरिंग अप विद अस फॉर दिस वीडियो. टॉकिंग अबाउट द लेटेस्ट कॉम्बो यू कैन गिव इट अ क्रैक बिकॉज दिस इज अ प्रीटी क्रैकिंग कॉम्बो. सो द सीरम इज अवेलेबल इन टू साइजेस व्हिच इज द 15 ml फॉर $4.99 एंड द 30 ml एट $9.99. यू कैन ट्राई द 15 फर्स्ट और अगर जम गया देन यू कैन इन्वेस्ट इन द होल 30 ml. प्राइस डिफरेंस दोनों में नहीं है. एंड द जेल क्रीम इज ऑल्सो अवेलेबल इन टू साइजेस व्हिच इज 15 ml फॉर $4.99 एंड 50 ml for $9.99. So let me know what challenge would you like to see next. Personally, I feel like I should control mom's life for a day because I think I will really just spoil her so much. Not let her cook the entire day. Maybe make her take a chutti, take her out somewhere if things are open outside. Take her to the park if it's open. That's what's on my mind. And also let me know what other food or stationery challenge we should do because I'm missing doing both of those two. Maggie challenge to kiya tha abhi, but I want to try something else, some different cuisine only altogether. But if you enjoyed watching this particular video, then give it a thumbs up and subscribe to our channel. And if you did not enjoy watching this video, Minda's give it a thumbs down. I will see you in a brand new video very, very soon. Until then, goodbye.